हेलो जी, नमस्कार। केम छो? राम राम साहब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन लाइव में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले हर नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल सके। तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ श्रीगंगानगर से दिल्ली तक नई वंदे भारत ट्रेन के संचालन के बारे में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। श्रीगंगानगर की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि श्रीगंगानगर को वंदे भारत ट्रेन मिलना तय हो चुका है, वो भी 2023 तक। यह लग्जरी ट्रेन से श्रीगंगानगर से दिल्ली के मध्य चलेगी और इस ट्रेन के रखरखाव की व्यवस्था भी श्रीगंगानगर में तैयार की जा रही है और इसके लिए यहाँ पर मेंटेनेंस डिपो व हाईटेक वॉशिंग लाइन बनाई जाएगी। इसके निर्माण के लिए रेलवे की ओर से करणी मार्ग पर रेलवे की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे करीब 300 लोगों को नोटिस जारी किया गया है कि जल्द ही रेलवे की ज़मीन को अतिक्रमण हटाकर खाली करवाया जाए और साथ में प्रोजेक्ट के तहत यहां पर काम शुरू किया जाए। तो यह जानकारी श्रीचंद पूनिया के द्वारा दी गई है, जो AEN है रेलवे में हनुमानगढ़ के अंदर। तो रेलवे की ओर से वर्ष 2023 में देश भर में 100 ट्रेनें चलाई जाएगी। देश में इन लग्जरी ट्रेनों के संचालन की शुरुआत हो चुकी है। आमतौर पर अगर देश में संचालित हो रही ट्रेनों की स्पीड की बात की जाए तो 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, लेकिन यह लग्जरी ट्रेन जापान में संचालित ट्रेनों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से काफ़ी लेंस है। यह ट्रेन 160 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से भी चलेगी। रेलवे मंडल बीकानेर की ओर से 300 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन रेलवे की सबसे अधिक स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। देश में वाराणसी से दिल्ली व कटरा से दिल्ली, इन दो ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है और वर्ष 2023 में देश भर में ये 100 ट्रेनें चलाई जाएगी तथा आगामी 3 वर्षों में देश भर में 400 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अब बात कर लेते हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो वंदे भारत ट्रेन के अंदर कोच में एग्जीक्यूटिव एवं चेयर कार अभी उपलब्ध है तथा बाद में इसमें स्लीपर कोच लगाने की योजना है। हाई स्पीड ट्रेन होने के कारण यात्रा में समय भी कम लगेगा। साथ में वंदे भारत ट्रेन में प्लेन जैसी खूबियां भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाए तो AC, TV, ऑटोमेटिक दरवाजे व हाई क्लास पेंट्री और वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है तथा दिशा बदलने पर इंजन बदलने की जरूरत नहीं होती है। इस ट्रेन के दरवाजे मेट्रो की तरह संचालित होते हैं और साथ ही में सभी डिब्बों में स्टील कार की बॉडी होती है और यह स्लाइडिंग फुट स्टेप ऑनबोर्ड ट्रेन कंट्रोल कंप्यूटर और रिमोट मॉनिटरिंग जैसे लेंस उपलब्ध होते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्यूरीज है इस वीडियो से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।